इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजा रानी बिहार निवासी बुजुर्ग का जर्मन शेफर्ड डॉग अचानक से जोर जोर से भौंकने लगा। मकान के पास मैदान में कुछ बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे थे, तभी महिला बाहर आई तो बच्चे चिल्लाकर कहने लगे, आपके बरामदे के तख्त के नीचे तेंदुआ छिपा है। ये सुनकर महिला भौचक्की रह गई। इसी बीच जब कुत्ता तेंदुए की तरफ दौड़ा तो तेंदुआ तख्त के नीचे से निकलकर चहदीवारी फांदते हुए सामने के घर के आंगन में पहुंच गया। तेंदुए आने की खबर लगते ही लोगों ने घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर छतों पर चढ़ गए। इस बीच वन विभाग भी पहुंच गया, लेकिन टीम उसे पकड़ने की कोशिश करती रही कि इससे पहले लोगों ने गुलदार पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। हड़बड़ाहट में गुलदार आगे की तरफ भाग गया। इसके बाद फिर एक झाड़ी में घुस गया, लेकिन भीड़ फिर भी नहीं मानी। निर्माणधीन भवन घरों की छतों पर चढ़कर चिल्लाने लगी। हंगामे के बीच वन विभाग के लिए रेस्क्यू अभियान चलाना मुश्किल हो गया। इसके बाद वन विभाग ने जाल बिछाने के साथ ट्रैकुलाइज टीम को तैयार किया, मगर गुलदार ने वन कर्मियों पर भी हमला कर दिया। आबादी में गुलदार के पहुंचने के बाद वन विभाग के लिए संकट की स्थिति पैदा हो गई। गुलदार को सुरक्षित पकड़ने के साथ लोगों को भी उसके हमले से बचाना था, लेकिन लगातार भीड़ बढ़ रही थी जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ रही थी। इसके बाद भीड़ को कम करने के लिए लाठियां भी फटकारी गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। इसके बाद ट्रैकुलाइज गन का निशाना लगने पर गुलदार आखिरकार बेहोश हुआ। 12 बजे के आसपास वन विभाग संग स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। अरे वो भाग नहीं पा रहा हूँ। हाँ एक अरे पुलिस वाले को पकड़ दिया था उसने, सुनते रहो। अभी पुलिस वाले के पीछे पड़ गया, अभी भागे थे परिहार अंकल के बाउंड्री वॉल में चले गया, वहाँ से पता नहीं किसके घर में घुस गया। हमें तो नारी लगाई है।